Yes, buddy, good morning, student. Look at the exercise 1B. In 1B exercise, it is basically based upon the greatest and smallest number. तो आपको पता है कि जो number of digits से ज्यादा होंगे, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ओके, और सब में क्या है बेटे, देखो 4 डिजिट्स हैं, तो देखने से पता लग रहा है बेटे, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, और स्मॉलेस्ट जब हमारे पास डिजिट सेम हो तब हम स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे, देखो 7, 8 सब में सेम है, ठीक है, फिर हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, देखो 25 है, ये 75 है, ये 59 है, ओके, सो हमको पता है कि 25 इज द स्मॉलेस्ट, ओके, सो दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इजी ना, ठीक है, दीज क्वेश्चंस यू हैव डन इन प्रीवियस क्लास आल्सो, ओके, बट यू हैव क्रिएटेड मिस्टेक, सो इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ओके, सो डोंट क्रिएट एनी मिस्टेक, ओके, सो लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बेटे आपने सिंपल लगाना पुट ग्रेटर, ओके, और लेस, ठीक है, यू नो दैट कि विच इज बिगर, ठीक है, विच इज बिगर, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, सो विच वन इज द ग्रेटेस्ट, विच वन इज ग्रेटर, देखो 7, 8, 6, 8 इज सेम, 9 इज सेम, 4, 3 बना के 3, 4, 4, 3 इज ग्रेटर, सो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन, ओके, तो आपको पता है कि माउथ शुड बी ओपन ऑन दैट साइड, ठीक है ना, सो दिस इज द ग्रेटर, ओके, इजी क्वेश्चन ना ये, दिस वन, ओके, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर इन फोर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर यू नो दैट कि ऑलवेज यू राइट स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ओके, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में बेटे पहले क्वेश्चन में लिख देता हूं, ठीक है, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, 90046, 90304, 90403, 90406, ओके बेटे, सो नाउ लुक केयरफुली कि वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, सो असेंडिंग ऑर्डर, नाउ इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट, ओके, सो 2, 4, 5, 2, 4, 5, देखो सभी में 2, 4, 5 मीन्स 5 डिजिट्स है, अब हमने क्या डिसाइड करना है, फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट कौन सा बेटे, देखो 900, ठीक है, सब में 904, 904 है, इसमें 904 नहीं है, इसमें 90046 है, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, आफ्टर दैट इट इज 90304 है बेटे, आफ्टर दैट 90403 क्योंकि 406 आगे है, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 403 90406, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले ही ये असेंडिंग ऑर्डर में बना हुआ था बेटे, ठीक है, तो डोंट पजल, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट में पहले से ही ये असेंडिंग ऑर्डर में बना हुआ था, ठीक है, तो आपने ये पजल नहीं होना कि ये क्वेश्चन नहीं हमारा आंसर आ गया, तो आपने अपना माइंड यूज करना है, ठीक है ना बेटे, बिकॉज इट इज स्मॉलेस्ट नंबर, देन सेम सीक्वेंस, ओके, नेक्स्ट भी आप कर लोगे ना, बस पहले स्मॉलेस्ट, देन ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर नंबर हम लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा हो गया बेटे, ठीक है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके बेटे, सो लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन बेटे, राइट लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विद यूनिक डिजिट्स, सो लार्जेस्ट डिजिट कौन सा होगा बेटे आपके पास, कि पहले जो बड़े नंबर से, बड़े डिजिट से स्टार्ट हो, तो डिजिट इज 9, ओके, अब इसमें एक डिजिट वन टाइम ही हम लिख सकते हैं, तो 9 को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6 डिजिट नंबर लिखना ना हमने, ओके, सो इट इज 6 डिजिट नंबर, ओके, ये 6 इज सेम बेटे, उसमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट से स्टार्ट करना है, तो 1, 0, 2, 3, 4, ओके, वो क्या हो गया 5 डिजिट नंबर, ओके, 7th राइट ऑल 3 डिजिट नंबर पॉसिबल बाय यूजिंग 5, 6, 7, टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, ठीक है, 7th क्वेश्चन में, ठीक है, 5, 6, 7 बन सकता है,
नंबर बनाने हैं हमने, यही नंबर यूज करने हैं, ठीक है। अब सिक्स को आगे ले लो, सिक्स फाइव सेवन, ओके सेवन फाइव सिक्स, अंडरस्टैंड बेटे, ठीक है। पहले हमने इसको चेंज कर दिया, फिर सेवन फाइव सिक्स को, फिर सिक्स सेवन फाइव, ओके देन सेवन सिक्स फाइव, ओके देन फाइव सेवन सिक्स, ओके। तो ये कितने नंबर बन गए बेटे, सिक्स। यस एट्थ क्वेश्चन बेटे, यू कैन डू योरसेल्फ, ओके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपने इसको बनाना 9025 को, ओके सो वन इज 9520 और स्मॉलेस्ट क्या हो गया 2059, आपने फिफ्थ क्वेश्चन में भी किया और सिक्स्थ क्वेश्चन में भी किया, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में लिखो बेटे, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस, ठीक है। अब हमारे पास नंबर कौन कौन से, सेवन फोर सिक्स, ये थ्री डिजिट हैं, ठीक है। अब इनका यूज करके हमने ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बताना बेटे और एक स्मॉलेस्ट फोर डिजिट बताना बेटे, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, ओके। अब देखो ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कैसे बताएंगे, जब हम एक डिजिट को ट्वाइस यूज करते हैं तो हम जो बिगर नंबर है उसको ट्वाइस यूज कर देते हैं बेटे, ठीक है। तो सेवन सेवन सिक्स फोर, अब स्मॉलेस्ट में यूज करने तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, फोर, तो फोर को रिपीट कर देते हैं हम, ठीक है। फोर फोर सिक्स सेवन, फोर फोर सिक्स सेवन, इजी ना। आफ्टर दैट टेंथ क्वेश्चन बेटे, टेंथ क्वेश्चन में मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी फोर डिजिट सच दैट डिजिट वन इज ऑलवेज एट वन प्लेस, ओके। अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस आपने केयर क्या रखनी है, वन को वन प्लेस पे रखना है। हाँ जी बेटे, इन फर्स्ट पार्ट वन को वन प्लेस पे रखना है, ठीक है। फोर डिजिट नंबर बताना ना, पहले वन लगा दो बेटे, ठीक है। अब आपने इसका ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, जो नाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। वन को वन प्लेस पे रखना है और सारा सेम जैसे मर्जी कर सकते हो, नाइन एट सेवन, ठीक है। हमने सिक्स नहीं लेना क्योंकि उन्होंने कंडीशन क्या लगा रखी है कि वन को वन प्लेस पे लेना है, ठीक है। सिमिलरली हम कहां से स्टार्ट करते हैं बेटे, आप स्मॉलेस्ट वन तो यूज हो गया ना, टू से स्टार्ट करेंगे तो टू जीरो थ्री, ठीक है। टू जीरो थ्री, जीरो को हम आगे तो लिख नहीं सकते फिर तो वो थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। टू जीरो थ्री वन, ओके इजी ना। इलेवंथ यू कैन डू योरसेल्फ, उसमें फाइव डिजिट है बेटे, ठीक है। और इन ट्वेल्थ क्वेश्चन मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स एंड रिपीटिंग एनी वन डिजिट, रिपीटिंग एनी वन डिजिट। हाँ जी, इन लास्ट क्वेश्चन बेटे वी यूज दीज डिजिट्स 8192। अब इसका फाइव डिजिट हमने बताना है, वन डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं तो हम नाइन को रिपीट करेंगे क्योंकि नाइन इज द ग्रेटेस्ट डिजिट, उसके बाद एट और कौन सा यूज कर रहे हैं, टू देन वन। अब स्मॉलेस्ट इसका बनाना बेटे, तो किसको रिपीट करेंगे हम, वन, क्योंकि वन इसमें से स्मॉलेस्ट है, वन वन टू एट नाइन, ओके। डू अदर पार्ट योर सेल्फ बेटे, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। थैंक यू वेरी मच।